वेलकम टू दी चैनल। भाई देखो, बिग बॉस सीजन 16 का फर्स्ट 10 फर्स्ट टू हो चुका है और भैया सबको पता लग गया कि इस बार बिग बॉस 16 में कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है। तो भैया ऐसे में आ चुकी है टॉप 5 पॉपुलैरिटी लिस्ट। अब देखो भाई, ये जो लिस्ट होने वाली है ये बेसिकली अभी तक घर के अंदर हमने किसी का गेम नहीं देखा है। तो इन शॉर्ट में अगर आपको डायरेक्टली बताऊं, काफी सारी जो मतलब पॉपुलैरिटी पोल्स है उनको एनालाइज करके मैंने ये लिस्ट तैयार की है और यहां पर बेसिकली अभी तक आपको यही पता लगने वाला है कि अभी तक मतलब अभी घर के अंदर गेम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तक फैंस किसको कितना ज्यादा सपोर्ट कर रहे और भाई टॉप 5 में कौन कौन बना हुआ है। तो भैया क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई बेल आइकन को भी दबा दो क्योंकि भाई अब अच्छी अच्छी अपडेट है, आपसे मिस ना हो जाए। तो देखो भाई, नंबर 5 पर बनी हुई है टीना दत्ता। वेल टीना दत्ता भाई यहां पर उतरन की फेम थी, यानी इच्छा से इन्होंने उतरन में हर घर में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी निभाई थी। अब भैया यहां पर देखना तो नजर आने वाला है कि आने वाले दिनों में भी ये टॉप 5 में रहती हैं या फिर भैया इनका जो फैमान है वो कहीं नीचे ना आ जाए। नंबर 4 पर बने हुए उडारिया के भाई अंकित गुप्ता। वेल देखो, मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता हूं, बट हाँ अंकित गुप्ता फैंस काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं अंकित गुप्ता और प्रियंका दोनों की ही जोड़ी को। तो अगर ये लोग काफी अच्छा प्ले करते तो नो डाउट अगर भाई ये प्रे हैं जो मतलब करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश जैसे कोई हिट जोड़ी बन जाए, इसमें कोई बड़ी शंका नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 पर भाई अगर बात करें तो भैया नंबर 3 पर कोई और नहीं, नंबर 3 पर बनी हुई है भाई छोटी सरदारनी यानी निर्मित कौर। वेल देखो, निर्मित कौर यहां पर अभी नंबर 3 पर है जबकि ये घर में नंबर 1 के है, मतलब पार्टिसिपेट आई थी पहली जो कंटेस्टेंट थी वो यहां पर निर्मित कौर ही थी। देखना भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि भाई निर्मित का आने वाले दिनों में जो गेम है वो अच्छा जाता है या फिर और भी ज्यादा नीचे जाता है। नंबर 2 पर बनी हुई है भाई प्रियंका। वेल देखो, प्रियंका के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे डे 1 से, जब से भाई ये ऑफिशियल कन्फर्म हो गया था कि यहाँ पर भाई अंकित और प्रियंका दोनों नजर आने वाली हैं। तो भाई वहीं से जो यहाँ पर प्रियंका की फैंस फॉलोइंग और अंकित भाई उडारिया वाले फैंस ना काफी भर भर कर वोट करने वाले और डेफिनेटली मेरे हिसाब से भाई ये तो फाइनल में चली ही जाएंगी। अब भाई ये मेरी स्टार्टिंग में प्रेडिक्शन है, देखते भाई बीच में कुछ गड़बड़ ना हो जाए क्योंकि भाई उडारिया की भी काफी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है, उसके बाद एक तो कलर्स की फेस भी रह चुकी है और काफी अच्छा गेम भी खेलेंगे इनकी हरकतों से देखकर तो लगता है। एंड भाई नंबर 1 पर बनी हुई है, देखो भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस बार काफी सारी मतलब मैंने सीजन 13 14 15 भी देखा है लेकिन इस बार एक चीज काफी ज्यादा एक्साइटमेंट वाली है। पता क्या है कि भाई इस बार बिग बॉस में पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीन चार मतलब चार पांच तो ऐसे ही खिलाड़ी हैं जो कि पॉपुलैरिटी फेस रह चुके, पूरे पूरे सीरियल के हीरो हीरोइन रह चुके, जिनमें निर्मित कौर और यहां पर टीना दत्ता और हमारी प्रियंका, ये तीनों तो भाई छोटी सरदारनी उड़ानिया और उतरन इन टीवी सीरियल्स के फेम रह चुके जो कि कलर्स पे ही आते थे। लेकिन भाई तीन कलर्स की पॉपुलैरिटी हीरोइन और नई पिछाड़ पाई केवल एक स्टार की हीरोइन को, यानी कि भाई स्टार का एक ही सीरियल है जो कि इस पर पार्टिसिपेट कर रहा है बिग बॉस में जो कि है इमली। तो भैया इमली के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है और भैया इमली का जो पॉपुलैरिटी बोल है ना वो भैया बहुत ज्यादा, मतलब इमली और प्रियंका भी काफी भारी वर्कम डिस्टेंस है अभी और भैया इमली यहां पर बनी हुई है नंबर 1 पर यानी भाई सुम्बुल। वेल देखो, सुम्बुल अभी तो है नंबर 1 पे, देखते हैं भाई सुम्बुल का गेम कैसा रहता है। वैसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैंने सुम्बुल को इमली में भी देखा था इतना ज्यादा बट नहीं, बट एज एन आपने देखा होगा रविवार विद स्टार परिवार आता था वहां पर भाई इमली का जो पार्टिसिपेट था वो काफी ज्यादा अच्छा रहता था और यहां पर सलमान खान के साथ भी उन्होंने काफी अच्छा एंटरटेन किया। तो भैया इमली लंबा तो जरूर टिकने वाले, फैंस की बहुत अच्छी खासी पॉपुलैरिटी भी है, ऊपर से मेरे हिसाब से ये गेम भी काफी अच्छा खेलेंगे। अब प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना कि भैया अभी के हिसाब से आपके 5 कंटेस्टेंट कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।